खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। इतनी गर्मी पड़ रही है, समझ नहीं आता क्या किया जाए। खैर, गर्मी के मौसम में क्या खाया जाए, क्या पकाया जाए, लेकिन कुछ ऐसा हो जिससे कुछ ठंडक पैदा हो। वैसे ठंड पै गई, इसका मतलब पंजाबी में कहते हैं ठंड पै गई, इसका मतलब ये होता है कि दिल खुश हो गया। आज देखते हैं कुछ दिल खुश करने वाली ठंडी ठंडी रेसिपीज क्या है। कुछ शरबत है, कुछ आइसक्रीम है, जी हाँ, बिना अंडे वाली आइसक्रीम भी आज बताऊंगा। आज आप देख रहे हैं हमारा ठंडक भरा एपिसोड, कुछ ऐसी रेसिपीज जो बढ़िया है, ठंडी है और गर्मियों में बहुत ही अच्छी रहती हैं। देखते हैं कि ठंड किस चीज से पैदा हो सकती है। एयर कंडीशनर लगा लें, कूलर लगा लें, पंखा चला लें, लेकिन गर्मियों में प्यास बहुत लगती है, कुछ दिल करता है ठंडा ठंडा पीने का। अब पानी पी पी के भी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए कभी नींबू पानी पीते हैं, कभी कुछ और ठंडे पदार्थ पीते हैं, तो ऐसी कोई चीज बनाते हैं जो घर में बना के रखी जा सके। तो स्क्वॉश बनाते हैं, ऑरेंज स्क्वॉश, संतरे की स्क्वॉश है। देखते हैं किस तरह से इसे बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स तो थोड़े से हैं, लेकिन बनाना कैसे है वो देख लें। चीनी ले लें आप, चीनी के साथ पानी, तो ये इसमें मैंने 2.5 कप चीनी और 2 कप पानी लिया है, और उसके साथ 3 छोटे चम्मच सिट्रिक एसिड। अब ये चीनी पिघल गई है, इसे हम बंद कर देते हैं और इसे छान लेते हैं। ये देखिए कितना गंध इसके अंदर से निकला है, इसीलिए महीन कपड़े में से इसे छान ले। और अब इसके अंदर डालें ये संतरे का रस। अब इसे थोड़ा ठंडा करना है, और हल्का ठंडा करने के बाद इसके अंदर हम बाकी चीजें डालेंगे, जैसे रंग और एसेंस। और अब इसमें पहले हम डालते हैं कलर, कलर की जो क्वांटिटी है पहले थोड़ी डालें, और अगर कम लगे तब बाद में और डालें, क्योंकि सारे कलर एक समान नहीं होते। और अब इसमें हम डालते हैं ऑरेंज एसेंस, इसे मिक्स कर लें। अब ये तैयार हो गया, लेकिन इसको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व करने के लिए इसे हम बॉटल में तो डालेंगे ही, स्टरलाइज्ड बॉटल के अंदर, लेकिन इसके अंदर हम पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड भी डालेंगे। इसे पानी में, थोड़े से गुनगुने पानी में घोल कर इसके अंदर डालें। ये इसके अंदर, और अब ये तैयार हो गया है ऑरेंज स्क्वॉश। यहां पर मेरे पास बॉटल्स हैं, बॉटल में डालने के लिए ये मैंने कुप्पी रख ली है ताकि गिरे नहीं। ये तैयार हो गई ऑरेंज स्क्वॉश। ऑरेंज स्क्वॉश के लिए हमें चाहिए 2.25 कप ऑरेंज जूस, 2.5 कप चीनी, 3 छोटे चम्मच सिट्रिक एसिड, 1 छोटा चम्मच ऑरेंज कलर, 1 छोटा चम्मच ऑरेंज एसेंस, 1/2 छोटा चम्मच पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड यानी KMS। आप इसको किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं, नहीं तो आप इसे दवाई की दुकान से भी खरीद सकते हैं, और 2 कप पानी। ऑरेंज स्क्वॉश बनाने के लिए एक पैन में चीनी, पानी और सिट्रिक एसिड लेकर इसे पका लें। जब चीनी पूरी तरह से घुल जाए तब इस सिरप को छान लें और इसके अंदर डालें ऑरेंज जूस और इसे थोड़ा ठंडा कर लें। अब इसके अंदर डालें ऑरेंज कलर और ऑरेंज एसेंस और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड यानी KMS लेकर थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालें और उसे मिक्स कर लें, और उसे डालें ऑरेंज स्क्वॉश के अंदर। इस तैयार ऑरेंज स्क्वॉश को स्टरलाइज्ड बॉटल के अंदर डालकर स्टोर करें और इस्तेमाल करें।